औरंगाबाद शहरामध्ये दंगल घडवण्यामागे चंद्रकांत खैरे यांचा हात आहे असा आरोप आमदार इम्तियाज जलील यांनी पत्रकार परिषद केला आहे. पुलिस के पास जाकर ये गुहार लगा रहे हैं कि दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए. अरे जो दंगाई है वही आज इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं. देखिए अभी कुछ देर पहले एक चैनल के ऊपर एक स्टोरी चल रही है औरंगाबाद के बारे में, सीसीटीवी फुटेज उसके अंदर दिखाया गया है कि पुलिस वाले चलते हुए आ रहे हैं, एक शख्स खड़ा हुआ है कुर्ते में, उसके गले में सफ़ेद मफलर है, उससे पुलिस वाले आके हाथ मिलाते हैं, कुछ देर बात करते हैं और चंद सेकंड के अंदर वो आदमी राजा बाजार के कप्तान कलर होम जो डॉक्टर भाटिया हॉस्पिटल के सामने का है, वो आदमी चंद सेकंड के बाद अपने हाथ में केरोसिन की बॉटल लेता है, उसके हाथ में डंडा होता है, वो पूरी गाड़ियाँ फोड़ते हुए सीसीटीवी फुटेज के अंदर साफ नज़र आ रहा है, वो गाड़ी जलाते हुए साफ नज़र आ रहा है, पुलिस वहाँ पर साफ नज़र आ रही है. अब आपको अगर औरंगाबाद के लोगों को आप जानते हैं तो वो शख्स कोई और नहीं है, एक शिवसेना का वरिष्ठ नेता है. हमारे पास हम कंपाइल कर रहे हैं, पुलिस ये कह रही है कि हम भी बहुत सारे फुटेजेस कंपाइल कर रहे हैं. सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस एक सीसीटीवी फुटेज के अंदर अगर ये साफ दिखाई दे रहा है कि दंगा करने वाला कौन है, गाड़ियाँ जलाने वाला कौन है, गाड़ियाँ फोड़ने वाला कौन है, और उसके बाद यहाँ तक ये है कि उस शख्स ने आगे जाकर खुद अपने रिवॉल्वर से फायरिंग तक किया, ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलेगा. वो सीसीटीवी फुटेज देख के ही आप उस शख्स को पहचान सकते हैं कि ये कौन है. पुलिस को क्यों इतना वक्त लग रहा है इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, कौन रोक रहा है आप, क्या आपको स्पॉन्सर किया गया था कि नहीं हमारी पूरी आपको प्रोटेक्शन रहेगा, पुलिस वालों हमारे साथ आप चलो और सिर्फ आपका काम ये है कि आप हमारी मदद करना चाहिए. क्यों उन्हें रोका नहीं जा रहा है एन वक्त के ऊपर, ये इससे ज़्यादा बेशर्मी की और क्या बात हो सकती है कि जो लोग दंगा कर रहे हैं वही आज चीफ कमिश्नर के पास जाकर ये गुहार लगा रहे हैं कि साहब जो दंगाई है. अरे दंगाई तो सबसे पहले ये है, हम आपको साफ करना चाहते हैं, हिंदू हो मुसलमान हो जिसने भी दंगे के अंदर भाग लिया है उसको कार्रवाई होनी चाहिए. क्योंकि बहुत जी जान लगाई, बहुत कोशिश की, और मैं अकेला नहीं, मैं या मेरी पार्टी अकेला नहीं, हम सब पत्रकार औरंगाबाद शहर के अमन पसंद बहुत सारे लोग इस शहर के अंदर अमन चाहते हैं. अगर आप देखेंगे इस शहर को बर्बाद और इस तरह का बदनाम करने वाले कौन लोग हैं तो यही राजनीतिक पार्टियों के ऐसे ही 10 12 15 नाम निकल कर आएंगे. आप खुद अपने लेवल के ऊपर बता दीजिएगा कि ऐसे कौन लोग हैं ये जो दंगाई करते आए हैं, ये वही लोग हैं जो महानगर पालिका में लूट का काम कर रहे हैं, ये पिछले कई सालों से इस तरह की हरकतों के अंदर शामिल है. ये वर्चस्व की लड़ाई थी कि शहर के अंदर गुंडागर्दी सबसे बड़ा गुंडा कौन रहेगा घर के अंदर, और सबसे बड़ा गुंडा जो है उसने इसको अंजाम दिया कि भाई अब मैं शहर का बड़ा गुंडा, इस वजह से उनकी मुझे पुलिस का पूरा सिलेक्शन हासिल है, पूरे सत्ताधारी पक्ष के बड़े बड़े नेताओं का पूरा प्रोटेक्शन हासिल है. वो वर्चस्व की लड़ाई थी ना, और इसके अंदर कोई ज़्यादा का किसी भी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला हो, पुलिस अपने लेवल के ऊपर इंक्वायरी करे. अगर वो हमारे ऊपर आरोप कर रहे हैं, अगर उनके पास इतना पुख्ता सबूत है तो बिल्कुल सबूत दे, जिस तरह से हम ये सबूत दे रहे हैं कि आपके पार्टी के एक वरिष्ठ नेता कलर होम राजा बाजार के अंदर गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, जला रहे हैं, और वो बाद में है तो पूरी दुकान को जलाई जा रही है, ये हमारे पास एविडेंस है. सन्माननीय खैरे साहब, आपका क्या रोल था, आपका कितना इंटरेस्ट था इस दंगे के अंदर, अपने अंदर एक बार इस गिरेबान के अंदर खुद भी झांक कर देखो कि आपका इस पूरे दंगे के अंदर क्या इंटरेस्ट था, क्या रोल था. आप इतने साल औरंगाबाद का नेतृत्व करें, हमारे भी आप MP थे, लेकिन जब भी चुनाव आता है तो ऐसा क्यों हो जाता है खैरे साहब कि आप दंगों के अंदर विश्वास करते हैं, आप हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, आप मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं, जय भवानी जय शिवाजी का नारा लगाते हैं. खैरे साहब अभी औरंगाबाद वो औरंगाबाद नहीं रहा जहां पर आप लोगों को इस तरह के वरगला के, उनको भड़का के आप शहर को जलाया करते थे.
अब जो है शहर बदल गया है। अब आप अगर हम तो ये कह रहे हैं कि जितनी मर्तबा आप अपने पिछले दो तीन दिनों के अंदर आ गए, आप सड़क के ऊपर नजर आ रहे हैं सम्माननीय MP साहब, आप कचरे के दौरान कहीं कचरे के ढिगार के सामने नजर नहीं आए। आप औरंगाबाद जब पूरी तरह से कचरे के अंदर जल रहा था तो आपकी कितनी मर्तबा आप वहाँ आए, आपकी सत्ता की हम भी देखना चाह रहे थे आपको कि आप ये कचरे के अंदर कितनी मर्तबा आगे आते हैं। आपने होटलों में बैठ के, गेस्ट हाउस में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं,